बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो करते हैं जी आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम आए हैं एक निजी फैक्ट्री विजिट करने के लिए। तो इधर होती है जी वॉशिंग मशीन की प्रोडक्शन होती है इधर। तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, बताइए अली भाई जी। आपको इंशाल्लाह आगे हैं, इन्होंने इनसे हम इजाज़त लेने आए थे ऑफिस में, तो अब इनसे इजाज़त मिल गई है, तो आगे आपको दिखाते हैं वीडियो। तो हम इस वक्त उस जगह पे बिल्कुल आ गए हैं जिधर वॉशिंग मशीन की जो बॉडी है ना, प्लास्टिक बॉडी वो तैयार हो रही है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है। हम बिल्कुल उस जगह पे आ गए हैं। तो ये दाने के बिल्कुल जो पैकिंग है ना दाने की, वो बिल्कुल हमारे पास ही पड़ी है। तो आपको वो दिखाते हैं कि दाना किस तरह का होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप से आपको बता रहे हैं जी। तो ये देखें, ये अली बता रहा है आपको, ये है प्लास्टिक का दाना। ये सबसे पहले ये बनता है, ये किसी और फैक्ट्री से बन के आता है, दाने वाली फैक्ट्री से। इसके बाद इसको यहाँ पे गर्म करते हैं, गर्म भी ये गर्म करने वाली मशीन ये ऊपर है, ऊपर वाली मशीन ये पहले दाने को गर्म करती है, उसके बाद ये आगे मशीन के अंदर प्रोसेस होके तो आगे जाके ये पूरा पीस बनता है। ये बिल्कुल इस जगह से बिल्कुल ये जो दाना इधर गर्म वगैरह हो रहा है, गर्म वगैरह होने के बाद ये दाना इधर से नीचे आ रहा है, आगे से इसकी जो भी प्रोसेसिंग है मशीन की वो हो रही है। ये आपको भी दाना भी डाल के दिखाते हैं, ये भी आपको दाना भी डाल के दिखाएंगे। यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, ये देखें ये ऊपर इसके अंदर दाना डालते हैं। ये हीटर लगे हुए हैं ये वाली जगह पे ना, ये सारे यहाँ पे हीटर हैं, यहाँ से हवा के साथ इसको यहाँ पे दाने को गर्म किया जाता है। ये ऊपर दाना डालते हैं, यहाँ से फिर आगे प्रोसेस होकर यहाँ पे ये पीस फिल होता है, और यहाँ से ये देखें ये प्लास्टिक की बॉडी तैयार हो रही है। ये प्लास्टिक की बॉडी तैयार होने के साथ साथ ये आगे देखें बॉडी बिल्कुल आपको तैयार करके दिखा भी रहे हैं, अभी निकलेगी इधर से बॉडी ना। ये मैं कोशिश करता हूँ, ये वाली बॉडी है ना जो मैं खुद निकालूंगा, तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं इससे निकल गई ठीक है, नहीं तो ये वर्कर्स को कह दूंगा भाई आप जाएं। ये तो ये वाली ट्राई मैं खुद करूंगा, अगर पीस निकल गया ठीक है, नहीं तो मुझसे खराब भी हो सकता है जी। तो बिल्कुल दाना वगैरह आया उधर से, उसके बाद इधर से सारी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के बाद ये सारा कंप्यूटर वगैरह का सिस्टम लगा हुआ है, जिधर से ये मशीन को हैंडल वगैरह करते हैं, उसके बाद इधर से अब ये पीस निकलने लगा है। तो अली ट्राई करने लगा है, देखते हैं जी अली निकाल पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ से ये दरवाजा खोलना है, हमने दरवाजा बोल के काम करना है जी। तो अब ये पीस बिल्कुल तैयार हो चुका है डाई, अब उस पीस को निकालने लगी है, देखते हैं। ये देखें जी अभी डाई खुलेगी, जो अंदर शेप होती है डाई की, उसी शेप के अंदर ये फील होता है। ये देखें ये निकल रहा है, इसको मैं निकालने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मशीन के अंदर जाना पड़ता है, ये पीस निकालना। ये हमें पहले वर्कर ने करके दिखाया, उसके बाद अली खुद लेके और उसने ये पीस निकाला है, ये आप चेक करें। उसके बाद ये बिल्कुल जो पूरा ये प्लास्टिक का, और ये फुल गर्म होता है जिस टाइम ये निकलता है ना। तो अली भाई ये भी बताएं, ये जो इसके ये निकालते हैं, जो ये निकाला हुआ है सारा कुछ इन्होंने, ये क्या वेस्ट होता है? हाँ, इसका भी एक प्रोसेस है ना, ये वाला यहाँ से उठा के, तो ये वाले पीस है ना इन्होंने ख़राब किए हुए हैं, स्क्रैप है, यहाँ से इसको दोबारा छोटा छोटा करके इसका दाना बनता है दोबारा ये वाली मशीन के अंदर, इसको क्रशर कहते हैं ये लोग। और बाकी ये छोटे पार्ट्स हैं इसके वॉशिंग मशीन के, वो भी यहाँ ये वाली दूसरी मशीन के ऊपर ये तैयार किए जाते हैं। ये उसामा भैया भी दिखाएं आप जी। तो बिल्कुल ये बात आपको मैं समझाने लगा हूँ, जैसे ये अली ने बताया कि वो जो वेस्ट हो रहा है वो भी रिसाइकिल कर रहे हैं। ये देखें इसके अंदर जाता है, ये जो मशीन लगी हुई है इसके अंदर फिर जाती है छोटा, ये देखें ये वर्कर काम कर रहे हैं, बिल्कुल मशीन के अंदर ये छोटा दाना बन रहा है, और ये दाना फिर उधर जाके मशीन के अंदर जा रहा है। तो ये माल वगैरह सारा कुछ तैयार हुआ है, अब इससे अगला प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये तो उसका प्लास्टिक की बॉडी है ना, ये तैयार हो रही है, ये सारा माल वगैरह पड़ा हुआ है। तो इस मशीन तो आपको दिखाई है जिसके अंदर वॉशिंग मशीन की बॉडी तैयार हो रही है, प्लास्टिक बॉडी। एक मशीन ये पड़ी और एक मशीन ये है, इसके अंदर भी सोनिक्स की चीज़ें तैयार हो रही हैं, मगर आज की जो वीडियो है ना उसमें तो सिर्फ हमने आपको वॉशिंग मशीन के बारे में बताया। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में इसके बारे में भी बताएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें तैयार कर रही हैं। तो आइए आपको नेक्स्ट स्टेप अब दिखाते हैं इस चीज़ का, कि ये अब इसकी जो बॉडी है। अच्छा, ये मुख्तलिफ कलर भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये कलर पड़े हैं, हमने आपको वाइट कलर निकलता दिखाया है, वो लड़का निकाल रहा है।
वो सामने जिधर ये लड़का खड़ा है वर्किंग कर रहा है ना, इधर एडजस्ट करते हैं। तो आज चूँकि ये बन रहा है वाशिंग मशीन के जो आउटर पार्ट बन रहा है वो बन रहा है, उसके बाद ये मुख्तलिफ जो पार्ट्स बनते हैं उसके अंदर जी जी बिल्कुल तो ये मोल्ड जो है ना वो बहुत भारी है, इनको उठाने के लिए ये इन्होंने ऊपर 10-10 टन की ये लगाई हुई है, क्रेन्स वगैरह लगाई हुई हैं। जैसे ये आपको ये भी अभी इन्होंने हमारी वीडियो के लिए लगाई है, जैसे ये बिल्कुल इधर कसाई पड़ी हुई है ना, ये चेक करें आप, ये एक लगी हुई है, उसके बाद दूसरी वो लगी है, वो छोटी है थोड़ी सी, वो दूसरी इन मशीनों के लिए काम आती है, ये थोड़ी सी बड़ी है, तो ये इस मोल्ड को उठाने के लिए ये काम आती है। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि वाशिंग मशीन की जो आउटर बॉडी है प्लास्टिक वो किस तरह तैयार होती है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 देख रहे हो। तो ये अली भाई कहना जी, ये भी आउटर बॉडी थी, हम आगे ना इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप आगे दिखाएंगे ये मोल्ड कैसे चेंज करते हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे ये वाली मशीन के दूसरा मोल्ड, वो भी आपको दिखाएंगे, वो ड्रम बनाएंगे ये इन्होंने पानी जिसके अंदर डालते हैं हम वाशिंग मशीन के अंदर, वो भी हम दिखाएंगे कैसे बनेगा, और उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे दूसरे जो बेस होती है, बेस के बाद इसको कैसे जाके फिटिंग करके इसके अंदर मोटर वगैरह फिट करके कैसे बनाते हैं, वो आपको इंशाल्लाह पूरी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर इंशाल्लाह ताला आपके सामने हम, और ये आगे मिलेंगे इंशाल्लाह पार्ट टू में। तो ये पार्ट 1 है इंशाल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 भी बहुत जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आएँ। तो चलें इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में आपके साथ मुलाकात होती है।